सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और एकदम फुल मजे में होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप इस तरह की वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो कि इंस्टाग्राम रील्स में आपको पता ही काफी ज्यादा ट्रेंड करती है, काफी ज्यादा वायरल होती है। आपको इस तरह का वीडियो बनाना है तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, अगर नहीं बनाना है तो बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आज का लाइक एम हम रखते हैं 50 लाइक। जी हम लोग 50 लाइक। वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक कीजिएगा। इस तरह की वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको अपनी दो फोटो चाहिए होगी, एक जो कि आप कैमरे से फोटो खींचते हैं नॉर्मल वाले फोटो, नॉर्मल वाली फोटो, दूसरी फोटो एडिटिंग जो कि आप कॉन्ट्रास्ट वगैरह ब्राइटनेस वगैरह इंक्रीज करके जो भी एडिट करके आप रखते हैं वो वाली फोटो। दो फोटो चाहिए होगी, एक नॉर्मल एक एडिटिंग वाली फोटो। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होगा, VN एप्लीकेशन, आप ऊपर देख सकते हैं। इसका जो तो आपको प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये वाली वीडियो की जरूरत पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वीडियो क्रिएट करना है। तो चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि आप इस तरह की वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन में। आपको VN एप्लीकेशन ओपन करना है। VN एप्लीकेशन जैसे आप ओपन करेंगे आपको कहीं पर भी बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है, प्लस के ऊपर आपको क्लिक करना है। प्लस के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा न्यू प्रोजेक्ट का, तो आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में एक फ़ोटो सेलेक्ट करना है जो कि सिंपल फ़ोटो होगी। तो हम सिंपल फ़ोटो एक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने सेलेक्ट कर लिया फ़ोटो को। उसके बाद आपको सेकंड फ़ोटो सेलेक्ट करना है जो कि है एडिटिंग वाली। चलिए हम एडिटिंग वाली भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। दोनों फ़ोटोज़ को हमने सेलेक्ट कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट काम लास्ट में आना है, और यहाँ पर आपको एक वाटरमार्क वाला इनपुट टाइटल दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको ये फ़ोटो का साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा ओरिजिनल का, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा 9:16 का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके टिकटॉक वाले साइज़ में जो कि आप इंस्टाग्राम रील्स क्रिएट करते हैं उसके साइज़ में कर लेना है। अगर आप मैन्युअली इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो फोटो के ऊपर क्लिक करना है नीचे की तरफ, और दोनों फिंगर से इस तरीके से स्लाइड करके फ़ोटो का साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक वीडियो चाहिए होगा, आप साइड में देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को देखकर भी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। आप म्यूज़िक जो है इंस्टाग्राम से लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल तरीका बताता हूँ। नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा स्टिकर का, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा वीडियो एंड फोटो का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको उस वीडियो को चूज़ कर लेना है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं साइड में, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल मटेरियल लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जल्दी से जाइए डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको ये जो फोटो दिखाई दे रहा है इसको जो इस तरीके से साइड में लगा लेना है, क्योंकि हमें इस वीडियो के अकॉर्डिंग ही वीडियो क्रिएट करनी है। तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको आगे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लिंकिंग इफेक्ट लगा हुआ है, ब्लिंकिंग इफेक्ट लगा हुआ है, तो आपको आगे आना है। जहाँ तक ब्लिंकिंग इफेक्ट लगा हुआ है आगे आना है, आगे आना है, आगे आते रहना है जब तक ब्लिंकिंग इफेक्ट नहीं हट रहा है। तो आपको फ़ोटो का साइज़ और इंक्रीज़ करना है, कुछ इस तरीके से आपको इंक्रीज़ करते रहना है, करते रहना है जब तक ब्लिंकिंग इफेक्ट जो है यहाँ से नहीं हट रहा है। तो हम चलिए और फ़ोटो का साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, हम इस तरीके से फ़ोटो का साइज़ और इंक्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में लगता है कि जो सेकंड फ़ोटो आने वाली है थोड़ा सा लास्ट में, तो आपको फ़ोटो का साइज़ ऐसे इंक्रीज़ करते रहना है। चलिए हम फोटो का साइज़ इस तरीके से इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकंड फ़ोटो आ रही है, यहाँ पर, यहाँ पर, तो आपको फ़ोटो का साइज़ थोड़ा कम कर लेना है। और आपको क्या करना है, जो सेकंड वाली फ़ोटो है इसके ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पर आपको बाकी सारी फ़ोटो को कट नहीं करना है, इसका साइज़ जो है छोटा कर लेना है, क्योंकि ऊपर वाली वीडियो आप देख सकते हैं कि बस इतनी सी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको छोटा कर लेना है। उसके बाद आपको फर्स्ट वाली फ़ोटो में एफएक्स लगाना है, तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एफएक्स का, इसके ऊपर क्लिक करके ब्लिंकिंग एफएक्स लगा लेना है। सभी फ़ोटोज़ में खींच कर आपको जो है ब्लिंकिंग एफएक्स लगा लेना है। तो हमने सभी फ़ोटोज़ में लगा लेते हैं, तो इस तरीके से आपको कट वगैरह करके आपको सभी फ़ोटोज़ में इस तरीके से ब्लिंकिंग एफेक्ट्स लगा लेना है। तो हमने लगा लिया, और लास्ट वाली फ़ोटो में आपको एक एफेक्ट्स लगा लेना है, कुछ इस तरह का एफेक्ट्स आपको लगा लेना है।
जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग से कोई भी एफेक्ट्स लगा लेना। अब मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। हमारी वीडियो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको वीडियो को सेव करना है तो ऊपर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना और वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।